इतिता ज्ञानमाख्यानातं गुह्यादि गुह्यतरं माया विमृश्यते दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये कुछ वेदों के मंत्र और कुछ गीता के श्लोक थे जो मैंने आपके सामने पढ़े। एक संस्कृत की लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। चींटी शक्कर ले चले, हाथी के सर दूरी। इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जब छोटापन आदमी के अंदर हो, लघु कहते हैं छोटे को, लघुता ते प्रभुता मिले। जब इंसान के अंदर छोटापन होता है, जब इंसान के अंदर झुकाव होता है, तब प्रभु मिलते हैं, तब अल्लाह मिलता है। अगर उसके अंदर तकब्बुर हो, अहंकार हो, घमंड हो, तो उसको प्रभु नहीं मिलते। लघुता ते प्रभुता मिले, छोटेपन से बड़ापन मिलता है। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। और जब प्रभु किसी के अंदर घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, तो उससे प्रभु से दूरी हो जाती है, अल्लाह से वो दूर हो जाता है। उसकी उदाहरण दिया गया है उसका, चींटी शक्कर ले चले, हाथी के सर दूरी। दुनिया का सबसे छोटा जानवर जिसे गिनती की जाए तो वो है चींटी। चींटी के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है कि चींटी एक छोटा सा जानवर इस जमीन का, एक छोटा सा कीड़ा इस जमीन का, एक छोटा सा जीव इस जमीन का, और छोटा होने के बावजूद वो अपने मुंह में किस चीज को लेकर चलता है? शक्कर को, मीठी चीज को लेकर वो चलता है। यानी मीठी चीज उस छोटे को मिलता है क्योंकि उसके अंदर छोटापन है। और हाथी के सर धूरी, और हाथी इस जमीन का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। जब वो हाथी बैठा होता है तो वो क्या शक्कर और गुड़ ये नहीं वो खा पाता है, बल्कि उसकी सबसे ज्यादा, आप कभी हाथी को देखेंगे तो अपनी सूंड को धूल में डालता है और फिर धूल को खींच कर अपने जिस्म पर फेंकता रहता है। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चींटी शक्कर ले चले, हाथी के सर धूरी। फिर रहीमन कहते हैं कि एक साधय सब सधय और सब साधय सब जाए। यानी एक को साधोगे, एक को पूजोगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। एक साधय सब सधय और सब साधय सब जाए। यानी एक की पूजा करोगे, एक की इबादत करोगे तो सबकी इबादत हो जाएगी। और अगर सबकी इबादत करोगे तो सबकी इबादत बर्बाद हो जाएगी, किसी की इबादत नहीं होगी। तो एक साध है सब सध है और सब साध है सब जाए। रहिमन मूल ही सिंचिबो, फूल ही फल ही आघाए। एक मिसाल देते हैं रहिमन कि एक पेड़ जो होता है दरख्त, तो दरख्त के पत्तों में पानी नहीं डाला जाता, दरख्त के फूल पर पानी नहीं डाला जाता, दरख्त के फल पर पानी नहीं डाला जाता, दरख्त की शाखों पर पानी नहीं डाला जाता है, दरख्त के जड़ में पानी डाला जाता है। जब जड़ में पानी डालिएगा तो दरख्त फैलेगा और उसी कई शाखें निकलेंगी और उसमें कई फूल आएंगे और फिर उस पर फल आएगा। तो दरख्त के मूल को आपको देखना है। तो वही रहमान कहते हैं कि एक साध है सब सध है और सब साध है सब जाए। रहमान मूल ही सिंचिबो, फूल ही फल ही आघाए। ये मिसाल दिया उन्होंने कि एक अल्लाह की, एक पूज्य उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की पूजा करनी। इस दोहे के अंदर अमीर खुसरू कहते हैं, उनका ये दोहा है कि इस जमीन पर प्रेम को फैलाओ,
अमीर खुसरू कहते हैं जमीन पर प्रेम को फैलाओ, मोहब्बत को फैलाओ। अगर तुम मोहब्बत को, प्रेम को जमीन के ऊपर नहीं फैलाओगे, उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, तो ये जो इंसानियत का जो रोल अल्लाह ताला ने इंसानों को अता किया है वो रोल रुक जाएगा, वो किरदार टूट जाएगा, वो चरित्र फूट जाएगा, और इससे हमारा माबूद रूस जाएगा। और जब वो रूस जाएगा तो फिर दुनिया में उसका अजाब आएगा, और जब अजाब आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि जमीन से पानी का उबाल होगा, या आसमान से पत्थर गिरेंगे, या जमीन पर हवा चलेगी। अजाब की ये शक्ल नहीं होगी, बल्कि शक्ल अजाब की ये भी हो सकती है कि तुम जलीलो खार होगे, तुम रुसवा होगे, तुम बदनाम होगे, और तुम्हारे दीन को तुम्हारी वजह से बदनाम किया जाएगा, तुम्हारी किताब को तुम्हारी वजह से बदनाम किया जाएगा, तुम्हारे रसूल पर तुम्हारी वजह से उंगलियां उठाई जाएंगी। ये भी अजाब की एक किस्म है, अगर आप और हम समझ सके तो। अहले इल्म का तबका मंच पर विराजमान है और इस जलसगाह में भी है। अभी कुछ देर पहले मौलाना यूसुफ साहब ये बात जो उन्होंने कही, बिल्कुल मुनासिब बात कही कि ये जलसगाह है लेकिन इसको दरसगाह अगर समझा जाए तो दरसगाह में भी ये देखना जरूरी होता है कि इस दरसगाह में आने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं और उनको कौन सी बात देनी चाहिए, कौन सी बात उनको बतानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पूरी इल्म की बात करने लगूं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी आबादी होगी जो इस जलसे की जो समझ नहीं पाएगी। इसलिए मैं मोटे तौर पर आम जनता की, आम लोगों की जो बातें हैं मैं चाहता हूं वो आपके सामने हो। और इसी नुक्ते नज़र से मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, पूरी आयत तो मैंने नहीं पढ़ा, बीच का एक टुकड़ा उसका लिया और मैंने आपके सामने पेश किया। वो सूरह बकरा की आयत नंबर 257। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनु, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं अल्लाह ताला उसी का हामी और मददगार है। अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनु, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं अल्लाह ताला उसी का हामी और मददगार है। और जब अल्लाह उसका हामी और मददगार हो जाता है तो अल्लाह क्या करता है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, उसको जहालत के अंधेरे से निकाल कर इल्म की रोशनी में डाल देता है। आदमी गुमराह कब होता है, जब वो अंधेरे में, जब उस अंधेरे में रोशनी ला दी जाएगी या उस अंधेरे में एक टॉर्च जला दिया जाएगा तो उस टॉर्च के सहारे से आदमी उस रास्ते को पार कर सकता है, चाहे वो कितना ही घनाघोर अंधेरा क्यों ना, उसको पार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक अंधेरा होता है तब तक जहालत छाया हुआ होता है, आदमी समझ नहीं पाता है कि किधर जाना है, किधर रहूं, किधर मुड़ूं, किधर आगे बढ़ूं, वो समझ नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही रोशनी आ जाती है फिर उसका दिमाग पूरा काम करने लगता है। जरूरत है हमें उस अंधकार से निकलकर रोशनी की तरफ जाने की। और इसी आयत के पेशे नजर मैंने संस्कृत की वो सूक्ति पढ़ी थी जो बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर बयान की गई, अस्तो मा सद्गमय। अस्त कहते हैं, असत्य कहते हैं झूठ को, अस्तो मा सद्गमय, मुझे झूठ से निकाल कर सच की तरफ ले चल। एक दुआ की जाती है वहां उस अल्लाह से, उस ब्रह्म से। वो अल्लाह को कैसे जानते हैं, किस तरह जानते हैं, ये एक अलग बहस है। उनके लिए अल्लाह क्या हैसियत रखता है ये एक अलग बहस है।
लेकिन उसकी किताब में चाहे वो अल्लाह जैसा हो, जिस तरह वो मानते हो, लेकिन उसमें वो ये बात उस अल्लाह से कर रहे हैं, एक विनती, एक प्रार्थना, एक दुआ कर रहे हैं कि अस्तो मा सद गमया, कि मुझे झूठ से निकाल कर सच की तरफ ले चल। तमसो मा ज्योतिर गमया, कि मुझे, तमस कहते हैं अंधेरे को, तमसो मा ज्योतिर गमया, ज्योत कहते हैं रोशनी को, तमसो यानी अंधेरे से, ज्योतिर यानी रोशनी में, गमया ले चल। तमसो मा ज्योतिर गमया, मुझे अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले चल। युखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर, मुझे जहालत के अंधेरे से निकाल कर इल्मे हक की रोशनी की तरफ ले चल। मुझे गुमराही और जलालत के अंधेरों से निकाल कर मुझे इल्म और अपने नबी के बताए हुए रास्ते की रोशनी की तरफ ले चल। युखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर। और यहाँ क्या कहा जाता है, तमसो मा ज्योतिर गमया, मुझे अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चल। मृत्योर माम मृतम गमया, मुझे इस फानी दुनिया से निकाल कर उस लाफानी दुनिया तक ले चल। मुझे इस दुनिया से निकाल कर, इस जिंदगी से बाहर निकाल कर उस हमेशा की जिंदगी में मुझे ले चल, उस जन्नत की जिंदगी में मुझे ले चल। ये बात कहाँ कही जा रही है, बृहदारनायक उपनिषद के अंदर। ये बड़ी मशहूर जो है उसका श्लोक है, अगर आप कभी यूनिवर्सिटी में जाएं, हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि वहाँ पर आपको ये बोर्ड में लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ लिखी हुई मिलती है। इसका मतलब ये है कि मुझे झूठ से निकाल कर सच की तरफ ले चल, मुझे अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की तरफ ले चल, मुझे इस मरने वाली जिंदगी से निकाल कर उस अबदी जिंदगी की तरफ ले चल। ये दुआ उसमें की गई है उस अल्लाह रब्बुल इज्जत से, जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके सामने हम सरफ़रेज़ होते हैं, और जिसके सामने हम अपना सर टेकते हैं और उससे हम दुआ करते हैं। ये दुआ उससे की जा रही है। नाम अलग हो सकते हैं, जुबानें अलग हो सकती है, मैं बारहा ये कहा करता हूँ कि सिर्फ भाषा का फर्क है, सिर्फ जुबान का फर्क है, सिर्फ लेसान का फर्क है। अगर जुबान का फर्क मिटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि भाईचारगी, उख़वत व हमदर्दी इतना आपस में बढ़ जाएगी, इतने लोग एक दूसरे में इस तरह पेवस्त हो जाएंगे जैसे ये उंगलियां मेरे इस उंगली के अंदर पेवस्त है। ये जुबान है, ये लैंग्वेज जो हमें एक दूसरे से अलग करती है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो दुनिया के किसी कौम का मानने वाला हो, सिर्फ जुबान का फर्क है। और जुबान के फर्क को कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखा है, वमा अरसलना बिर रसूल इल्ला बिलिसानि कौमी, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4, कि हमने हर कौम में उसके जुबान का नबी भेजा। अल्लाह ने इस जुबान की जो एक दायरा था, जो एक बंधन था, जो एक दीवार थी जुबान की, उसको तोड़ा और कहा कि हमने हर जुबान में उसके जुबान का नबी भेजा, हमने हर भाषा में उस भाषा का एक ईशदूत भेजा, हमने हर लैंग्वेज में उस लैंग्वेज का एक प्रॉफिट भेजा, हमने हर जुबान में उस कौम के जुबान का एक नबी भेजा, एक हादी भेजा। और जब हादी आया, वो नबी आए, तो उन्होंने इसी जुबान की जो फर्क थी इसको सबसे पहले खत्म किया, क्योंकि अगर जुबान के फर्क को खत्म करना मकसूद ना होता। मिसाल, ये भी मिसाल पेश किया करता हूँ पानी की, ये बड़ा आसान सा मिसाल है कि सबको समझ में आ जाता है। अगर पानी को किसी मौलाना साहब के पास आप लेकर जाएंगे और कहेंगे कि मौलाना साहब मुझे बताइए कि ये जो मैं लेकर आया हूँ इस गिलास में या इस बॉटल में, तो इसको कहते क्या हैं, तो मौलाना साहब जब देखेंगे तो बड़ा इत्मीनान से मुस्कुरा कर ये बात कह देंगे कि अरे जो चीज़ आप लेकर आए हैं ये तो पानी है।
लेकिन उसी पानी को आप किसी पंडित जी के पास ले जाएं, किसी ब्राह्मण के पास ले जाएं और उस ब्राह्मण से पूछें कि ये जो चीज मैं लेकर आया हूँ इसको तो मौलाना साहब ने पानी कहा है, इसे आप भी पानी कहते हैं क्या? तो ब्राह्मण बहुत मुस्कुराएंगे, वो पंडित जी मुस्कुराएंगे और मुस्कुरा के कहेंगे कि नहीं, इसे मैं जल कहता हूँ।